दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के सबसे नंबर वन चैनल शुभम क्लासेस पर। दोस्तों अगर आप यूपी बोर्ड कक्षा 9 से 12वीं के छात्र हो तो आपका सिलेबस को लेकर बहुत बड़ी न्यूज आई है कि जाने सिलेबस में क्या क्या कम हुआ है। 11वीं का आधा से भी ज्यादा कम सिलेबस हो गया है, वहीं 10वीं 12वीं में क्या हाल है आज के इस वीडियो में आपको डिटेल्स बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना क्योंकि यूपी बोर्ड महीने के हिसाब से कोर्स कम करेगा, कैसे करेगा इस वीडियो में आपको एक एक टॉपिक बताऊंगा और किस तरीके से कौन से सब्जेक्ट में कम होगा। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखना क्योंकि सीबीएसई के बाद यूपी बोर्ड भी 2020-21 सत्र के लिए कोर्स कम करने जा रहा है। कोरोना के कारण मार्च से स्कूलों में पढ़ाई लिखाई बाधित है, इसे देखते हुए यूपी बोर्ड ने विशेष विषयों से कोर्स कम करने का प्रस्ताव तैयार कराया है। शासन को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार जुलाई महीने में यदि नियमित कक्षाएं नहीं चलती तो कक्षा 9 से 12 तक के पूरे पाठ्यक्रम का 10% हिस्सा कम किया जाएगा। इसी प्रकार अगस्त में पढ़ाई बाधित होने पर 20% और सितंबर तक कक्षाएं चालू नहीं होने पर 30% कोर्स कम किया जाएगा। तो मैं आपको 100% श्योर कर सकता हूं कि आपका सिलेबस 30% तक कम होगा क्योंकि आपका सितंबर तक तो आपके स्कूल कॉलेज नहीं खुलने वाले हैं। बोर्ड ने इसी फॉर्मूले के आधार पर विशेष विशेषज्ञ कमेटी से हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भूगोल, जीव विज्ञान, कला, गृह विज्ञान समेत पूरे कोर्स में कटौती करवाते हुए शासन को मंजूरी के लिए प्रस्ताव भेजा है और इस तरीके से होगा आपके कोर्स में कटौती। उदाहरण के तौर पर जुलाई का नुकसान होने पर कक्षा 10 संस्कृत में 3 पाठ, अगस्त की पढ़ाई प्रभावित होने पर कक्षा 10 में 20% यानी 6 पाठ और सितंबर तक पढ़ाई लिखाई पटरी पर आने की स्थिति में 9 पाठ यानी 30% तक कम किया जाएगा। 2020-21 सत्र की शुरुआत तो 1 अप्रैल से हो ही चुकी है लेकिन यूपी बोर्ड जुलाई से सितंबर तक का आधार बनाकर कटौती करने के पक्ष में यानी 30% सिलेबस। अगर आप क्लास 10 12th में तो आपका कम किया जाएगा क्योंकि अभी कल ही के न्यूज में आपके 11th और 9th का सिलेबस आ चुका है कि कौन कौन से सब्जेक्ट से कौन कौन सा सिलेबस कम हुआ है। तो 1 और 2 दिन में यूपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर यह भी खबर आ जाएगी कि आपके 10 12 के कौन कौन से चैप्टर हटे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना क्योंकि कल जैसे ही न्यूज आएगा मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा। और अभी तक आपने गूगल प्ले स्टोर से शुभम क्लासेस ऑफिशियल ऐप नहीं डाउनलोड किया जरूर डाउनलोड कर ले, यहां से आप बोर्ड एग्जाम के लिए स्मार्ट कोर्सेस बाय कर सकते हैं और साथ में आप ऑनलाइन टेस्ट और फ्री स्टडी मटेरियल पा सकते हैं। और अगर अभी तक आप भी कहीं भटक रहे और जुलाई से पढ़ना चाहते हैं आप मन लगाकर, तो मैंने एक वीडियो बनाया है कि आप जुलाई से पढ़कर 95% कैसे ला सकते हैं। इसे ऑलरेडी 3 लाख स्टूडेंट देख चुके हैं तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। और आपको पता अगर आप यूपी बोर्ड के छात्र तो यूपी बोर्ड का सबसे नंबर वन चैनल है क्योंकि यहां से पढ़ाई करके काफी छात्र 90-92% हर साल लाते हैं और सभी टॉपर्स का प्रूफ आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। तो अगर आपको हमारा टॉप 100 बाय ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको क्लास 10 12 के सभी विषयों के कंप्लीट नोट्स, वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिस सेट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर कंप्लीट सब्जेक्ट के मिलेंगे और पूरी तैयारी आपको एग्जाम तक कराई जाएगी। तो सीट फुल होने से पहले आप इस बैच में जुड़ सकते हैं। जुलाई के न्यू बैच में आपको लेसन 1 से कंप्लीट तैयारी कराई जाएगी। अगर आपको जुड़ना है तो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं कि सर हमें आपके इस बैच में जुड़ना है, या फिर डायरेक्ट आप इसी नंबर पर पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे व्हाट्सअप पर तो आप तुरंत बैच में जोड़ दिया जाएगा और अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो कि आपका सिलेबस तो 30% कम होगा क्योंकि सितंबर तक आपके स्कूल कॉलेज नहीं खुलेंगे और अक्टूबर से खुलेंगे तो 30% कोर्स आपका कम रहेगा। और कल यूपी बोर्ड बता देगा कि कौन कौन से चैप्टर्स आपके सिलेबस से हटे हैं। तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना, आप सब्सक्राइब करके जरूर रखना जिससे मैं वीडियो डालूं तो आपको सबसे पहले इस वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।